तो आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट है। टॉपिक का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई बच्चा बात नहीं करने वाला, आराम से सुनना क्योंकि तुम सभी सुने जाने वाला। ठीक, कि अगर तुम्हारा नज़र हटी ना तो समझे दुर्घटना घटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यानपूर्वक समझना, पूरा फोकस लगा कर समझना। ठीक, अच्छा टॉपिक है, एक बार समझ लोगे मुद्दत तक याद रहेगा। हो सकता है सब कुछ भूल जाओ, जो मैं पढ़ाऊंगा कभी नहीं भूलो। समझ में आया बात? सब कुछ मतलब सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ भूल जाओगे। फोन आ रहा है, तो हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं कि पहले हो कहां, यह घटना है प्रकाश का अपवर्तन। तो मैं इसे समझाने के लिए ना पहले कुछ उदाहरण का प्रयोग करूंगा। ठीक, इसे समझाना चाहता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो। मुझे एक ही बात बताओ जरा, अगर 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 तुम जरा एक बात बता दो मुझे, कभी कभी तुम गाड़ी में बैठे हो क्या? कितने बच्चे बैठे गाड़ी में? कार में, कार में कार में नहीं बैठे होंगे तो गांव के आसपास मेटाडोर चलती है, मेटाडोर बैठे उसमें। कितने बच्चे ऐसे जी खिड़की के पास बैठना पसंद है? खिड़की के पास बैठना पसंद है, वाओ गजब। आधे ऐसे होंगे जो खिड़की के साथ साथ पास ही बैठते होंगे, अपने आप को दार्शनिक समझते होंगे। बाहर 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 ऐसे जैसे झांकते हैं जैसे साइंटिस्ट बैठे हो। सुन लो, नहीं रुक, अभी टाइम नहीं, सुन लो पहले। उसके बाद जब शीशे में झांकते होंगे तुम तो देखते होंगे उसमें तुम अपना चेहरा भी दिखाई, बाहर का दृश्य भी दिखाई दे। कभी कभी ऐसा हो अपना चेहरा भी दिखाई दे, बाहर का दृश्य भी। लोगों को लगा बाहर देख रहा है, अब तो अपना चेहरा ही देख रहा है। समझ में आया बात? ये ऐसा हो कि नहीं होता? नहीं, वो बात की बात है, अभी बात नहीं करनी, बिल्कुल पॉइंट नहीं। समझ में आया बात? अभी सिर्फ मुझे सुनना। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन की बात चली गई। प्रकाश का अपवर्तन क्या? तुम प्रकाश का अपवर्तन नहीं हो, प्रकाश की किरणें जागी, जाने के बाद उसमें अंदर चली जागी, जाने के बाद फिर वापस प्रकाश की लौट आ गई, जागी फिर वापस लौट आ गई। कुछ किरणें प्रकाश के अंदर भी चली जाएगी, प्रकाश की परावर्तनीय घटना में क्या हो, प्रकाश की किरणें टकरा गई, वापस लौट कर चली जाएगी। कुछ भी प्रकाश की किरणें अंदर नहीं जानेगी, इसमें क्या होगा, प्रकाश की किरणें अंदर प्रवेश कर जाएगी, किसी माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाएगी। पहले मैं तुम्हें माध्यम समझाना चाहता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन समझना ना, तो पहले मैं तुम्हें माध्यम समझाना चाहता हूँ। माध्यम किसे कहते हैं? क्या माध्यम? माध्यम का मतलब मीडियम। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी आई है कि माध्यम क्या हो। अभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझा रहे, प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक हमारा लॉन्ग चलेगा थोड़ा। हो माध्यम, माध्यम किसे कहते हैं, मीडियम किसे कहते हैं? तो माध्यम क्या हो, माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। माध्यम देखो कैसे कहते हैं, मीडियम क्या हो, माध्यम का मतलब जो जरा ये बताओ, जो प्रकाश हो, प्रकाश जरा एक बात सोचो, अगर ये हमारे हमारे यहाँ रूम में जो ट्यूबलाइट लगी, बल्ब लगा हुआ, जो बल्ब लगा हुआ, अगर ये रूम कांच का होता, सुनते रहना ध्यान, कांच का होता, तो जो बंदा बाहर खड़ा होता उसे जो बल्ब हो उसका प्रकाश धुंधला दिखाई देता, नहीं देखता? आया समझ? अगर मैं उसी उसी सब बल्ब को ले बाहर चला जाऊं और किसी पेड़ पर टंगा दूं, समझ आए, खुले में, तो चांदना चारों तरफ फैल जाएगा, चारों तरफ लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी होगी। यस और नो? बात सही है। इसका मतलब बाहर क्या है, वायु। ये रूम कैसा था, कांच का, ये कांच, तो कांच भी एक प्रकार का माध्यम है, वायु भी एक प्रकार का माध्यम है। अब एक काम करो, तुम उसी बल्ब को ना उसके पानी के अंदर लेकर चले जाओ, पानी के अंदर, तो जो प्रकाश है ना वो दिखाई नहीं देने का, चले नहीं पाने का, क्योंकि उसकी चाल धीमी पड़ जाएगी। इसका मतलब जो जहां प्रकाश तेज चलेगा, तो जो प्रकाश की चाल को ज्ञात करने के लिए ही माध्यम आया, प्रकाश की चाल को बताने के लिए, प्रकाश कहाँ कम चलने वाला, कहाँ ज्यादा चलने वाला, आया समझ? प्रकाश की चाल को ज्ञात करने के लिए, निर्धारित करने के लिए क्या बनाया गया, माध्यम। आया समझ? कांच भी माध्यम हो, जल भी माध्यम हो, वायु भी माध्यम हो। कांच, जल, वायु, निर्वात, जिसे बोल लो वैक्यूम, जहां वायु ही नहीं होती, ऑक्सीजन नहीं होती, जहां ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं होती, जहां बिल्कुल भी, यहां तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु नीचे जा रही, जहां गुरुत्वाकर्षण बल ही ना हो उसे बोल लो निर्वात, वैक्यूम। ये सारे क्या है, माध्यम। किसके बारे में जानकारी दे, प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में, तो पता लगे माध्यम किसे कहते हैं। आज कहते हैं जो प्रकाश की चाल हो ना सबसे ज्यादा वायु के अंदर हो, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा वायु के अंदर हो, सबसे, और जो सबसे कम होगी द्रव के अंदर होगी, द्रव के अंदर जो प्रकाश है ना ऐसे चलो होले 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 होले। दो उदाहरण देता हूँ तुम्हें, एक तो पड़ा हुआ भाया हुआ खेत, एक पड़ा हुआ जो बिना भाया हुआ खेत पड़ा हुआ, आया समझ में, जो मतलब खाली खेत, तो तुम कौन से में तेज दौड़ोगे, बिना भाया कैसे तोड़ एक तो भाया हुआ पड़ा, एक बिना भाया पड़ा, या चलो एक खेत में ही खड़ा हुआ, एक खेत में एक नहीं है, तुम कौन से खेत में तेज दौड़ोगे, जिसमें एक नहीं है। शाबाश, वेरी गुड। प्रकाश की भी तो यही खास बात, प्रकाश के लिए तो क्यों, तुम्हारे लिए वहां अलग माध्यम है, एक तुम्हारा अलग माध्यम है, और जो खाली पड़ा हो अलग माध्यम है, इसलिए वायु ना, वायु जहां जहां वायु हो प्रकाश वहां से जाओ, जूम, जहां वायु हो कैसे जाएगा प्रकाश, ऐसा। समझ में आया कोई दिक्कत? प्रकाश की चाल होती 3×10^8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 30 करोड़ किलोमीटर,
30 करोड़ किलोमीटर, 30 करोड़ मीटर। बात समझ में आई है? कोई प्रॉब्लम नहीं थी बच्चे को? स्टार्टिंग स्टार्टिंग में समझाया गया था प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो। ये सुनो, समझ में आई बात? तो सबसे तेज वायु की चाल कहा? वायु के अंदर। प्रकाश की चाल सबसे तेज कहा? वायु के अंदर। तो बताओ लाइट की जो स्पीड हो यानी प्रकाश की जो चाल हो सबसे ज्यादा किसके अंदर, कौन से माध्यम के अंदर? तो वायु क्या होगा? एक प्रकार का माध्यम। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? प्रकाश की सबसे ज्यादा गति कहाँ होगी? वायु के अंदर। कांच के अंदर, वायु के अंदर, जल के अंदर? ऐसे ऑप्शन देख रहे, बताओ किसके अंदर होगी? वायु। तो वायु माध्यम हो नहीं, कांच माध्यम होगा नहीं, कांच में इतनी तेज प्रवेश नहीं कर पाने का। ऐसे समझ में? दर्म तो और भी होले होले हो जाएगी इसकी स्पीड। समझ में आया बात? यार मान लो एक इंसान को कहने लगे एक भाई के खेत में दौड़ो, दूसरे को कहा कि तुम दलदल में दौड़ो, जो दलदल में दौड़ेगा उसकी तैसी तैसी हो जाने वाली। आया समझ में? तो बस प्रकाश के लिए बेचारे जो प्रकाश है ना, प्रकाश उसके लिए जो कांच और जल है ना, ये दलदल ही क्या है? दलदल। अब बताओ प्रकाश की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगी? अरे भाई साहब, प्रकाश सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगा, और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कई हजार किलोमीटर है। आया समझ? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता, अंदाजा लगा जा सकता इतनी दूरी को कैसे तय कर लेता। दुनिया में प्रकाश की चाल का मुकाबला आज तक तो कोई नहीं कर पाया। तुम मुझे देखने में स्पीड हो, आया समझ में? तुम देखने में हैरानी हो कि तुम वो साइंटिस्ट जरूर हो जो प्रकाश की चाल का मुकाबला कर सकते हो। कर रहे हो? एडवांस बात है, नो टॉकिंग प्लीज। मैं चाहता हूँ सिर्फ टॉपिक पर बात हो। समझ में आया बात? यार जी, तुम बातें करना चाह रहे हो सकता है तुम अलग अलग जगह बात बात कर सकते हो, उसके लिए टाइम पड़ा हुआ मेरे पास, तो 2 ही घंटे आते हो। तो इसे टॉपिक से रिलेटेड बातें हो तो पर माध्यम की बात कर रहे, किसकी माध्यम? समझ में आया? माध्यम, माध्यम पता लगा क्या है? माध्यम वह भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। माध्यम वह भौतिक गुण है, माध्यम वह भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी यार, या भौतिक गुण है, भौतिक गुण है जो प्रकाश की चाल को निर्धारित का मतलब ज्ञात करना, चाल को निर्धारित करता है, निर्धारित करता है। कोई दिक्कत? जैसे 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 कोई जैसे वायु और जल, कांच है, कांच बात नहीं करने का बिल्कुल, कांच, उसके बाद दर्व, दर्व कुछ भी हो सकता, कुछ भी दर्व हो सकता, डोटेड डोटेड ईटीसी। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे के यहाँ? तो माध्यम पता लग गया, सबसे तेज वायु, वायु जो प्रकाश की चाल होगी सबसे तेज कहाँ होगी? वायु भी एक प्रकार का है माध्यम, कांच भी एक प्रकार का है, जल भी क्या हो एक प्रकार का, सारे के सारे जो दर्व हो एक प्रकार के क्या हो? एक माध्यम की छोटी सी परिभाषा बताइए। पढ़ाना वैसे मुझे क्या पढ़ाना, क्या प्रकाश का इतनी बात होता समझ में नहीं। कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहाँ? तो कोई प्रॉब्लम भाई? ठीक, अब हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से। जो वायु हो ना, ये वायु हो, इसमें प्रकाश की चाल, इसमें प्रकाश की चाल सबसे तेज हो, इसमें प्रकाश की चाल सब अधिक होती है, प्रकाश की चाल की चाल सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक? एडवांस बात ना करो, मैं भी कह रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एडवांस क्लास में बैठ कर बात नहीं करनी, सिर्फ फोकस लगाना मेरी बातों पर। समझ में आया बात? ये नहीं तो मेरे सिकंजे में फंस गए ना, तो तुम्हें पता फिर मैं कितना मारता हूँ, याद रखना बात। इसलिए कह रहा हूँ मैं, बहुत टेक्निकल पोर्शन है, आराम से समझ लो, एक बार पढ़ लो फिर यहाँ मुद्दे तक याद रहेगा। तो इसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अब हमें पढ़ना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या हो, यार ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो क्या है, क्या हो प्रकाश का अपवर्तन? इसे समझने के लिए ना मैं तो कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ तुम्हें। जो माध्यम होने, माध्यम ये भी यार दो प्रकार के हों, माध्यम तो पढ़ लिया तुमने, मुझे माध्यम भी दो प्रकार के हों। एक तो ऐसा माध्यम हो जहाँ प्रकाश आराम आराम से चलता होगा, एक ऐसा होगा जहाँ प्रकाश होले होले चलता होगा। माध्यम भी दो प्रकार के हों, एक ऐसा ऐसा होगा माध्यम जहाँ प्रकाश बहुत आराम आराम से चलता होगा, ऐसा ऐसा होले 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 से हो जाएगा प्यार, हवा लगती है। मैंने मूवी का नाम तो पूछा नहीं भाई, मैंने कहा एडवांस नहीं करना, बस सुनो और इंजॉय करो बस, ठीक, हंसो बस, ऐसा करो, हाँ हाँ, फिर चुप हो जाओ, कमेंट ना करो बस बिल्कुल भी। तो जो प्रकाश की चाल होगी, तो माध्यम तो पता लगा, माध्यम किसे कहते हैं?
माध्यम वह भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। बात समझ में आई? लेकिन माध्यम दो प्रकार के हों, माध्यम भी दो प्रकार के, मीडियम भी दो प्रकार के हों। पढ़ाना तो आपको चाहिए प्रकाश का अपवर्तन, आप पढ़ा रहे माध्यम के बारे में। अरे भाई प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने के लिए सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली, मैं वहां यूज करूंगा माध्यम, बार बार बताऊंगा माध्यम किसे कहते हो, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आया बात? या तुम्हारा कंफ्यूजन समाप्त करने के लिए जो बताया जा रहा है उसको फोकस लगाओ। क्यों जी? समझ में आ रहा? जीजू की याद तो नहीं आ रही? इधर देखो, इसकी जीजू भी प्रसिद्ध हो गए, वीडियो में चले गए। माध्यम के प्रकार, माध्यम के प्रकार इसे बोलते हैं टाइप ऑफ मीडियम, टाइप ऑफ MEDI मीडियम। माध्यम के प्रकार, अरे भाई साहब माध्यम दो प्रकार के हों, दो प्रकार के हों, ध्यान से सुनना, फोकस लगाकर। फोकस बहुत बड़ी चीज है दुनिया, प्लीज डोंट कमेंट। हे इधर, माध्यम के प्रकार, किसके प्रकार? माध्यम के प्रकार दो प्रकार, माध्यम तो बहुत सारे हो, कांच भी, जल भी, वायु भी, मोटे मोटे तौर पर ना, मोटे मोटे तौर पर जो माध्यम हो उन दो भागों में बांट लेते हैं अपनी बात को समझने के लिए। ठीक, एक तो माध्यम ऐसा होगा जहां प्रकाश ऐसे चलता होगा ज़ूम, एक ऐसे चलता होगा धीमे धीमे चलता होगा, कैसे चलता होगा? डांस करके, यूं कह रहा डांस करके दिखा दिया, डांस आता था मुझे सीखा था मैंने, सोचो मैं जिस लड़की से सीखा था ना उस लड़की ने फिर मुझे चाटा मारा था बहुत तेज। कुछ अब मुझे वो नहीं, वो मुझे सिखा रही थी, मुझे क्या सिखा रही थी, मैंने जब डांस कर रही थी यूं कह रही थी इस तरह करके पैर में करके ऐसा करना, मैंने उस पैर में डाल घेर दिया, मैं तो चाटा ही मारती। उस दिन के बाद मैं तो गया नहीं बिल्कुल भी डांस वांस सीखने, मैंने कहा चल छोड़ दो यार इसमें कुछ नहीं है। माध्यम के प्रकार, फिर सॉरी भी तो बोल रही बात मुझे आकर, नुगरी सॉरी मुझको थोड़ा अलग फील होगा, ऑफकोर्ड फील होगा, और बाद में जाकर पता क्या हुआ वो नहीं पता। माध्यम के प्रकार वही है बस, शाहरुख खान वाली टीचर वाला साथ दिल जले इधर। माध्यम के प्रकार, एक सघन माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम कोई नहीं लिखने का, ऐसे लिख रही थी लड़कियां। सघन माध्यम, उसके बाद है विरल माध्यम, विरल, विरल माध्यम। अब दोनों समझने हो क्या? ठीक, एक तो सघन माध्यम हो, विरल माध्यम जो हो माना इसे बोल रहे रेरर मीडियम, RARE, RARE, RARE मीडियम, रेरर, रेर, RARE, रेरर मीडियम। तो एक तो सघन माध्यम हो, एक विरल माध्यम, एक विरल माध्यम हो। तो सघन माध्यम ऐसा माध्यम हो जहाँ प्रकाश की चाल धीमे धीमे गति करता हो, यानी प्रकाश की चाल कम हो। एक ऐसा माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को बोलते हैं सघन माध्यम। जैसे कांच, दर्व, आय दर्व ही तो जल हो, कांच दर्व, समझ में बात है? तो एक ऐसा माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल कम होती है उसे बोलते हैं हम सघन माध्यम, इंग्लिश में बोलते हैं डेंसर मीडियम। और दूसरे नंबर पर एक ऐसा माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल अधिक होती है, सर्वाधिक होती है, उसे बोलते हैं विरल माध्यम, जैसे वायु। लिख लोगे इसके अंदर, इस हेडिंग के अंदर क्या लिखोगे, इसके नीचे बताओ क्या लिखोगे? एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, जिसमें प्रकाश की चाल उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डम, डी एम, डम, डी एम, डी का मतलब डेंसर मीडियम,
इसे बोलते हैं रम, इसे बोलते हैं रम, आर एम रम, डम डम। तो जो डम हो, डम डम के अंदर, तो डम डम डिगा नहीं, डम के अंदर डम डम डिगा डिगा मौसम डिगा बीगा में तो गिर। जो डम हो ना, डम जो डम हो, इसके अंदर प्रकाश धीमे धीमे चलता होगा, रास्ते में बाधा आएगी होगी। जो रम होगा ना, इसके अंदर जो प्रकाश है ऐसा जाएगा, जूम ऐसे कर जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम आई नहीं? ठीक। तो इसमें खुद लिख लोगे? पूरा लिखना पड़ेगा। एक ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? एक ऐसा माध्यम जिसे प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे कोमदर बस इधर वाले लिख दो, इधर वाला। एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे जैसे वायु, वायु तथा निर्वात, वायु तथा निर्वात। यहां तक बताओ, समझ में आए? बताओ माध्यम क्या हो, पहले बताओ माध्यम क्या हो। यानी मेरा माध्यम को तुम बता नहीं सकते कि प्रकाश तेज चलेगा या कैसे चलेगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुमसे सवाल पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। चलते देखते हैं। एक्स यू वाई यू जेड, ये भी माध्यम, ये माध्यम, ये माध्यम, सब माध्यम। एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, बताओ ये माध्यम x, ये माध्यम y, ये माध्यम z, कितने माध्यम है? तीन माध्यम। हम क्या, हमने कहा कि जो x है ना माध्यम, ये सघन माध्यम हमने कहा। कैसा सवाल पूछता हूं तुमसे, सघन। ये हमारा विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। एक माध्यम एक्स, एक वाई है, एक जेड। मुझे एक ही सवाल बताना, ठीक, कि तीन दो मत, ऐसा कौन सा माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगी, कैसे पता लगा तुम कौन सा माध्यम? यहाँ पढ़ लिया ना इधर, तो चीजों को पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के बाद यूज भी करना सीखना। ऐसा कौन सा माध्यम होगा जहाँ प्रकाश की चाल कम होगी? एक्स और जेड के अंदर प्रकाश की चाल ज्यादा कम होगी। ओके, उतार लो, उतार लो, हाँ हाँ उतार लो। अरे यहाँ यहाँ वाला पूरा लिख के दिखाना है। ये बताओ माध्यम समझ में आया नहीं है? सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आया नहीं है? सघन माध्यम विरल माध्यम में कोई प्रॉब्लम हो गया भाई? मेरी बात थोड़ा फोकस हो जाएगा, समझना ठीक। सघन माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम सघन माध्यम। जहाँ प्रकाश की चाल तेज होगी विरल माध्यम, प्रकाश की चाल होले होले होगी सघन माध्यम। अब हमें समझना कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे? तो जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, इसे समझाने के लिए दो कंडीशन समझाऊंगा, दोनों दोनों ध्यान लगा के समझना। कितनी? दो। ध्यान से समझनी और सुने भी जाओगे तुमसे क्या बताया गया। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अब हम समझाने में जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, इसे हम रफ कर रहे हैं। बस माध्यम बताओ, समझ में आया नहीं आया? माध्यम पता लग गया? किसी माध्यम वह भौतिक गुण हो जो प्रकाश की चाल को निर्धारित करता हो। माध्यम क्या हो? भौतिक गुण जो प्रकाश की चाल को क्या करता हो? निर्धारित करता हो, ज्ञात करता हो, प्रकाश की चाल में जानकारी देता हो, जानकारी देता हो प्रकाश की चाल के बारे में। मतलब मानने के लिए तुम्हें बिल्कुल भी फर्स्ट पॉइंट प्रकाश के परावर्तन की पहली स्थिति। अगर प्रकाशी किरण सघन माध्यम से जा रही हो विरल माध्यम, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, क्या हो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन? मान लो ये हमारा पारदर्शी माध्यम है, ये माध्यम है ना, जो ये हमारा कोई पारदर्शी माध्यम है, कैमरा लो, चलो तो ये हमारा पारदर्शी माध्यम, इधर देखो ये हमारा पारदर्शी माध्यम। प्रकाश का अपवर्तन समझाने जा रहा हूँ, इसमें दो स्थितियां समझाऊंगा तुम, और दोनों दोनों समझना अच्छे तरीके से, और तुम बताई भी जाएगी, लिखवाई जाएगी, फिर तुम बताया जाएगा प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे। पहले समझ लो अच्छे तरीके से, दो कंडीशन बताई जाएगी, दोनों दोनों फोकस लगा समझना। एक हमारा, मान लो ये हमारा पारदर्शी माध्यम, कैसा? पारदर्शी माध्यम,
दर्शी, हिंदी में थोड़ा गलत हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम बोल रहे सर, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक। यहाँ मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी, सोर्स है, यहाँ सोर्स का मतलब समझते हो, सोर्स का मतलब वो स्रोत, ज्यादा प्रकाश आ रहा होगा। मान लो ये जो दीवार लगी ना रूम में, कांच की, कांच की दीवार लगी, यहाँ हमने बल्ब जलाया, जलाया इधर, ठीक, अंदर चारों तरफ ये पूरा का पूरा रूम, रूम ही कांच का पूरा होगा, प्रकाश की किरण बाहर जाएगी, तो अंदर कौन सा, अंदर कांच है, तो कांच कैसा माध्यम होगा, सघन की विरल होगा, कांच कैसा माध्यम होगा, सघन, क्योंकि वहाँ प्रकाश होले होले चलता हो, बाहर कैसा माध्यम होगा, विरल। बात समझ में आई है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अंदर हमने यहाँ एक बल्ब लगाया, तो जो बाहर का जो व्यक्ति होगा उसे प्रकाश की किरण किसन जो प्रकाश होगा धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है, इसी यही तो बताता हूँ तुम्हें। यानी इसका ये मतलब हो, जो प्रकाश की किरण चलती है ना, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, ऊपर देखो एक माध्यम हमारा, मान लो ऊपर माध्यम हमारा सघन माध्यम, कौन सा सघन माध्यम को हम दूसरी भाषा में बताया था डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है डेंसर मीडियम, ये प्रकाश की किरण आई किसी स्रोत से, प्रकाश की किरण आई, किसी स्रोत प्रकाश की किरण, कोई दिक्कत, यहाँ प्रकाश की किरण आई, जा आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, जब भी प्रकाश की किरण इस पर टकराएगी ना तुरंत नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इसे बोलो नॉर्मल, इंसिडेंट रे का नाम है आपतित किरण, ये सब सुने जाएंगे तुम, आपतित किरण क्या हो, आपतित किरण, अब देखो कैसी बात लगने वाली तुम्हारी, समझ में आई बात, या तो आपतित किरण है हमारी, ये हमारा क्या नॉर्मल, नॉर्मल अभिलंब, अभिलंब, कोई दिक्कत यहां तक, ये कौन सी किरण है, कैसा कौन सा माध्यम, पारदर्शी माध्यम, ये कौन सी किरण, ऊपर कौन सा माध्यम, नीचे विरल माध्यम, विरल माध्यम, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है। जब प्रकाशी किरण ना, हेलो, जब प्रकाशी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो ना, हेलो, जब प्रकाशी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो ये हमारा विलंब नहीं आया, तो जो प्रकाशी किरण होगी वो दूर हट जाएगी, क्या होगी, जानी तो चाहिए थी ऐसे, देखो ऐसे जानी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, नहीं, विचलित हो जाएगी, ऐसे जाएगी, खास बात है, ये बात याद रहेगी, क्या बताया, जब प्रकाशी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाशी किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, नफरत करती है, नफरत, जब सघन माध्यम से कौन से माध्यम में जाती है, अभिलंब से, अभिलंब से दूर हट जाती है, इतनी बात बताओ, समझ में कोई प्रॉब्लम, इसे कहें विचलित होना, प्रकाश जानी तो सीधी चाहिए थी, ऐसे डोटेड डोटेड अपने रास्ते से भटक गया, यही तो प्रकाश का वर्धन, यही तो प्रकाश का वर्धन, तारों तो आने वाला जो प्रकाश है, तारों से जो प्रकाश आ रहा आ रहा आ रहा, बीच में बहुत सारी परत पड़ेगी, जैसे परत पड़ेगी तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, ऐसे चलेगी, फिर दूसरी परत आई फिर विचलित हो जाएगी, फिर जो जो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य है ना, इन्होंने तारों से जो आने वाला प्रकाश हो वो टिमटिमाता दिखाई दे, टिमटिमाता नहीं दिखाई दे, तारे छोटे नहीं होते, टिमटिमा वास्तव में जो तारों से आने वाला प्रकाश हो टिमटिमाता नहीं, वो अलग अलग परत होगा, ऐसा आगा फिर ऐसा आगा ऐसा आगा अपने मार्ग, एक्चुअली में पता क्या हो जाए, तारों से आने वाले जो प्रकाश हो ना वो उस प्रकाश की किरण आती है, उन्हें कहीं 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 पर तो गुजरना पड़े, जब कहीं पर तो गुजरना पड़े, यहाँ तो एक ही परत तो गुजरी, विचलित होगी फिर विचलित होगी फिर चली गई फिर विचलित होगी, यही तो प्रकाश का पर्दा ना, कई परीक्षाओं में पूछा जाए कि वह कौन सी घटना हो जिसके कारण वायुमंडलीय प्रकाश के उसके प्रकाश के तारे टिमटिमाते हैं, तारे तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण हो, तो आप खुलकर बताओगे प्रकाश के पर्दन के कारण, ये प्रकाश का परावर्तन नहीं प्रवर्तन, इसको रू पड़ रही कहीं बैठ कर यहाँ से, समझ में आ बात है, तो वायुमंडलीय प्रकाश प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमा बता रहे हैं, वायुमंडलीय प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण पता लग गया, ठीक, जो बताओ प्रकाश किरण सघन माध्यम से कहां जा रही हो, अभिलंब से क्या हट जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यही बोलना तुम, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, कैसा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, प्रकाशी किरण नहीं आया, प्रकाशी किरण कौन से माध्यम से आई, कौन से माध्यम प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी अभिलंब से क्या हटगी, बात समझ में, ये घटना ही पर ये तो प्रकाश का अपवर्तन है, दूसरी कंडीशन है, पहली स्थिति प्रकाश के अपवर्तन की, पहली स्थिति है, दूसरी स्थिति लिखना कैसा पेपर में कैसा आगा सबूत उत्तर बताया जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, दूसरी स्थिति समझो, इस बार हम ऊपर से सघन माध्यम कर देने वाले, इधर विलंब माध्यम कर देंगे, तुमने सुना, देखो जब तुम गर्मियों के मौसम में जाना, तुम
रोड पर जाओगे ना, धूप पड़ी हो और तुम गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तुम दूर से दिखाई देगा कि सामने ऐसा लगा तुम कि रास्ते में पानी पड़ा हुआ, लेकिन पानी होता नहीं। ऐसा ऐसा होता नहीं। पास देखा जाएगा, कितने बच्चों ने देखा इस तरह सड़क पर या घटना हो, इस घटना को बोलते हैं मिर्ची का, मिर्ची का। ये प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं हो, उसे बोले टी आई आर, उसे बोले टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, दूसरी भाषा में बोले पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वो भी एक प्रकार का परावर्तन नहीं हो, पर एक प्रकार का प्रकाशीय किरण आई, अंदर गई, अंदर जाने के बाद फिर वापस लौट का वो पानी दिखाई दे, वो हमें समझना, इस घटना में समझना, इस तरह समझ लेंगे। समझ में आया बात, या क्या हो रहा है? प्रकाशीय किरण अंदर तक जाती है और ऊपर तक जो भाप ना वो भापित पानी के रूप में दिखाई दे, वो भ्रम दृष्टि दोष हो जा, समझना, उसके बारे में समझना हम। वही तो मिर्ची का हो, क्या हो, राजस्थान में भी दिखाई दे इस तरह। राजस्थान में जाओगे ना, राजस्थान में पेड़ उल्टा दिखाई दे, हाँ लोगों को लगे भूत है वहाँ से, उन्हें पता सब साइंस काम कर रहा है, लोगों को लगे भूत, इसलिए वहाँ लोग ओपरा मान के वहाँ दोपहर में जाते नहीं। रियलिटी बात है, उन्हें पता सब साइंस काम कर रहा है, भूत बात तो कुछ होता ही नहीं, किसने बनाई है, किसने, साइंस से बड़ा भूत कौन सा होगा। लोगों को लग रहा है इस मोड़ पर ना, यहाँ से इस मोड़ पर हर रोज एक्सीडेंट हो, यहाँ इस मोड़ पर हर रोज एक्सीडेंट हो, कहते नहीं क्या ये मोड़ बहुत खतरनाक है, तो वहाँ क्या करेंगे, इस मोड़ पर कुछ ओपरी हवा है वो, कहते नहीं। कितने लोगों को सुना इस तरह, कितने लोगों ने सुना इस तरह, सुना है कि उस मोड़ पर, सुन लो मैं बता रहा हूँ तुम रियलिटी बात। एक्चुअली पता क्या, उस जो मोड़ हो ना उसका ढाल इतना था, जितना बनाना जिस इंजीनियर ने बनाया था ना वो ढाल, वो इतना नहीं आया था कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता। गुरुत्वाकर्षण बल जब इतना लगाया, अब जब बताओ गाड़ी चलेगी और ऐसे मुड़ जाएगी तो स्लिप नहीं होगी तो क्या होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, तो अगर ढाल ज्यादा थोड़ा घुमा कर बनाया जाता है ना, इस तरह करके बनाया जाता घुमा कर, तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, कम लगता, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता। जब ज्यादा लगेगा तो गाड़ी ऐसे जा रही थी ना, ऐसा खींच जाएगा अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल, तो कहाँ का भूत होगा, उसका नाम भूत रख दिया उठाकर, पीछे काम कर रहा है साइंस। समझ में आया बात है? तो बताओ किताबों से दुनिया, जो किताबी दुनिया से बाहर निकलो और आसपास देखो, साइंस को महसूस करा जा, यही तो फिजिक्स है, वो फिजिक्स नहीं काम कर रहा वहां से। समझ में आई बात है? ढाल इस तरह का नहीं बनाया गया ताकि आसानी होती, ये भी हम 11वीं क्लास से पढ़े कि किस तरह ढाल बनाना चाहिए था। समझ में आई बात है? ग्रेविटेशनल फोर्स गाड़ी भी किस तरह काम करता, जो चालक हो यही मोड़ो मुड़ो तो साइकिल ऐसे नहीं मुड़ जाता ना, मुड़ जा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी मुड़, और जहाँ मोड़ ज्यादा हाई होगा ना तो जो मोड़ खतरनाक होगा, फिर तो एक्सीडेंट होंगे, मुड़ने का मौका ही नहीं दिया उसे इस तरह। आया समझ? अब बताओ कि किसी तुमने ऐसे भी सुना कि एक ढाल पर गाड़ी जा रही थी, ऐसा कर झुका तो जरूर उसका, अगर झुकाव ज्यादा होगा ना फिर उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग गया तो फिर गाड़ी गिरेगी, गिरेगी। समझ बात क्या, इसमें कौन सा भूत होगा? दूसरी स्थिति समझ में आया बात है? तो जोड़ जोड़ का पढ़ना, जोड़ जोड़ का तोड़ तोड़ का, जो हाँ तुम्हें बताया जाएगा पूरी जिंदगी बोलने के, तुम ये गारंटी दे रहा हूँ। समझ में आया बात है? पूरी जिंदगी। तो ये आपतित की, ये समझ में आया? पहली स्थिति प्रकाश के अपवर्तन की पहली स्थिति है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, ऊपर विरल माध्यम कर रहे हैं, नीचे सघन माध्यम कर रहे हैं, तो फिर देखो क्या होगा। ये जो प्रकाश की किरण जा रही थी ना, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, कहाँ जाएगी देखते हैं। चलो ये हमारा कौन सा माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, आप पूरा लिखिएगा हिंदी में पारदर्शी माध्यम। ये हमारा सोर्स है, सोर्स का मतलब जहां तक प्रकाश आया, सोर्स स्रोत, आई प्रकाशीय किरण, आने वाली प्रकाशीय किरण का नाम क्या, आपतित किरण, जो अंदर आ जाना उसे बोल ले अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसका नाम अभिलंब हो। इन दोनों के बीच में बता क्या हो, कौन सा कौन, आपतन कौन, आपतन कौन, आपतन, ये हमारा आपतन कौन, कोई दिक्कत? इन दोनों के बीच में ये कौन होना, इसे बोल लो परावर्तन कौन, परावर्तन नहीं अपवर्तन कौन, अपवर्तन कौन, आर से डिनोट करते हैं अपवर्तन कौन, अपवर्तन। आलिया मैं तुमसे सुनने, तुम्हें बहुत बनूंगा बेटे, देखो पूछूंगा आपतन कौन क्या हो, गुरुजी जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कौन को आपतन कौन कहते हैं, विशेष डिनोट बाय आई, इस आई से प्रदर्शित कर दें। फिर मैं पूछूंगा बेटे बताओ अपवर्तन कौन कैसे कहते हैं, इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड एंगल किसे कहते हैं, ये इंसिडेंस एंगल है, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड नहीं रिफ्रैक्टेड, अपवर्तन है परावर्तन नहीं है, रिफ्रैक्टेड एंगल, वहां भी मिलेंगे सब चीजें। चलो आ जाओ इधर, इधर पहले समझो, इस रेखा का नाम बताया गया था, बताओ क्या नाम है इसका, नाम नॉर्मली बिल्कुल या लाइन है नहीं, नॉर्मल मतलब अभिलंब, वो दिक्कत किसी बच्चे को प्रॉब्लम है था, इस रेखा का नाम था आपतित किरण, इंसिडेंस रे, तुम पूरा लिखना, वहाँ इंसिडेंस रे मतलब आपतित किरण, सब नाम याद पता होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब टोटल, इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये वाला बीच में कौन दिखा दे रहा, इस कौन का नाम आपतन कौन, अब मैं यही लिख रहा हूँ बस, पूरा नहीं लिख रहा, तुम पूरा लिख रहा, लेकिन इधर कौन सा माध्यम है इस बार, विरल माध्यम, इस बार विरल माध्यम, थोड़ा महसूस करो विरल माध्यम कि बाहर ना बल्ब लगाया हो तुमने, तुम कांच के कमरे के अंदर खड़े हुए और बाहर वाले बल्ब को देख रहे, तो तुम्हें प्रकाश कैसा दिखाई देगा, ये भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक, उल्टा कर दिया इसको सारा, इधर विरल कर दिया, विरल सदर सघन इधर कर दिया, तो जो प्रकाश की किरण हो ना ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, नहीं बिल्कुल सीधी, लेकिन ईशा ना ईशा ना अभिलंब से प्रेम हो जा, तो अभिलंब की ओर झुक जा, अभिलंब से प्रेम हो जा सर, क्या हो जा अभिलंब से, यहाँ अभिलंब से नफरत हो रही थी, दूर भाग रही थी, यहाँ अभिलंब से प्रेम होगा उस अभिलंब की तरफ, जिस तरफ प्रेम हो जाए उसकी तरफ तो झुकती हुई दिखाई देगी, आए समझ में, इसे बोलते हैं अभिलंब से प्रेम होगा, किसे होगा, अपवर्तित किरण हो, अपवर्तित किरण हो, ठीक, इसका नाम अभिलंब हुआ, ये अपतित किरण, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, मध्य बनने वाला कौन कौन सा हो, आर, आर का नाम क्या हो, आर का नाम अपवर्तन कोण, समझ में, अंदर जो चीज चलेगी सो अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब अंदर चले जाना, अपवर्तन कोण, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, इस किरण का नाम अपवर्तित किरण, सब लिखा हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है, इधर जो दे लिखा वही नाम इधर होंगे, बस ये दूसरी स्थिति नहीं है क्या, पहली स्थिति में बता क्या लिखोगे, पहली स्थिति में लिखोगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से नफरत करती है, यूं नहीं लिखना बिल्कुल भी, ऐसे समझ में, जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है, समझ गए, इसमें लिखना दूसरे नंबर पर, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कौन सा माध्यम, नीचे सघन माध्यम, सघन माध्यम, तो वह अभिलंब से प्रेम करती है, बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसे समझ में, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे समझ में, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, दोनों लिख दोगे, मजा आया नहीं यार, झक्कास, क्योंकि डायग्राम किसने समझाया, अब तुम्हारे स्कूल वाले थोड़ा थोड़ा लिखो, लिख क्या ड्रामा, पहला काम हो टीचर का, पहले एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो, लिख लेखक बनना चाहते हो तो पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़े, लिसनर बनना पड़े, पहले अच्छा श्रोता बनना पड़े, सुनने वाला बनो पहले, और सुनोगे तो जब जब सामने सुनाने वाला होगा वो सुनवागा, बाद में नुकारा पहले लिखो, लिखता बनवा दिया पहले, तो सीखने का सबसे बड़ा रूल हो पहले समझाओ, फिर उनसे सुनो, इंटरेक्शन करो, उसके बाद फिर लिखो, तीसरे चौथे नंबर बाबा लिखने का काम, यहाँ पहले क्या करा जा, सीधा लिखो, फायदा क्या हो रहा है पढ़ाई का, जब भी तो मेरा कोर्स पीछे रहो, मैं अपना कोर्स जान पूछ के पीछे करके रखू, मेरा मानना दिमाग में बात पूरी जानी चाहिए, बात खत्म, जितना पढ़ेगा दिमाग में वहां टक्कर ले लगा, समझ आई बात, दूसरों को खड़ा खड़ा बता देगा, यो हो इसका मतलब, यो हो यो हो यो हो इसका मतलब, समझ में आई बात है कि ना भी पढ़ा ना तब भी उसके दिमाग में डाटा रहा, मेरा ये मकसद, समझ में आया बात है, इसलिए इस पर्पज के साथ पढ़ाता हूँ बहुत आसानी से, चलो दोबारा रिपीट कराता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें, कहते प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, आसान भाषा में अगर तुम्हें लिखना कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे कहते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब ऐसे लिखना, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो यहाँ भी यही हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, लिखना, सुनो 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 सुनो, जब हेडिंग तुम्हें यही बनाऊंगा, जब प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग बनाऊंगा, इंग्लिश में नाम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो अभी वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अविचलित होने का मतलब दूर भी हट सकती है और पास भी आ सकती है, दोनों बात एक बात में समाहित होगी, ऐसे समझ में कोई दिक्कत यहां तक, इसका मतलब जैसे तुम रास्ते में जा रहे हो और मोबाइल फोन चला रहे हो और सामने था ना सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जा हरियाणा वाला, रो हॉर्न बजा दो, इधर भागोगे क्या, इधर भागोगे, ये भी तो यही हुआ क्या, तो इधर भागी क्या, दुर्भाग्य, ऐसे समझ में, कौन प्रकाश किरण, बात समझ में, ये सुन लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक, अच्छा हरियाणा वाला ट्रक क्या है, तो हरियाणा वाले खतरनाक बजाओ, जब तुम उसके करीब पहुंच जाओगे, जब देंगे उन्होंने इतना बताओ तो समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम, तो लिखना पसंद करोगे ऐसे प्रकाश के ऊपर, लिखना लिखना गया भाड़े, पहले मुझे सुना दो, एक बार मैं समझाने जा रहा हूँ दोबारा, पूरा लिखना क्या किस तरह, और क्या क्या हेडिंग बनानी, ये भी सुनूंगा क्या क्या हेडिंग बनानी और लिखना क्या, दोबारा आई रिपीट दिस अगेन, पहली हेडिंग आप बनाएंगे प्रकाश का ऊपर, आप ही बनाएंगे, आप ही मतलब आप लोग, आप महान हस्ती दुनिया की, ठीक, हेडिंग उसके अंदर क्या लिखोगे, ये लिखोगे जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख ले जाओगे? पक्की बात? प्रॉमिस? सुनने वाला हो। दूसरी हेडिंग, अगर उसके बाद एक लाइन और लिखोगे, प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां हैं। नंबर फर्स्ट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विलंब से दूर चली जाती है। तो वह विलंब से दूर चली जाती है। तुम्हारा हूं मैं और तुम मेरी। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अभिलंब से दूर चली जाती है। लिख दोगे? जब दोबारा फिर बता रहा हूं, चलो दोबारा दोबारा दोबारा। पहली हेडिंग, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विलंब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां हैं। नंबर फर्स्ट, उसके अंदर लिखोगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह विलंब से दूर चली जाती है। धड़ाक चित्र बना दो उसके नीचे, समझेंगे? पहले पॉइंट के लिए पहली स्थिति में अलग चित्र बना दोगे, उसके बाद दूसरी स्थिति देखने जाओगे, फिर लिखोगे, जब प्रकाश किरण विलयन माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। धड़ाक चित्र बना दोगे, काम खत्म हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हो, कितने नियम? दो। ये और बीमारी इसमें कितने नियम हो? दो। इतनी बात बताओ समझ में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ना चाह रहे? पहले बताइए, लिख दोगे जो डाटा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्की बात? कैसे लिखोगे? चलो एक करके मुझे हल्का हल्का उदाहरण दे, खड़ा हो। पहले हेडिंग क्या बनाई जाएगी? अब बता क्या लिखेंगे इसमें? प्रकाश की किरण में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बैठ जाओ चाचा, खड़े हो आप। आप बताओ किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी कितनी स्थितियां हैं? दो। नंबर पहली स्थिति, जब प्रकाश की किरण सरल माध्यम से तो वह अभिलंब से दूर हो जाए। ठीक है, फिर क्या बना देंगे? धड़ाक चित्र। बैठ जाओ, खड़ा हो, तू बैठ, तू ही खड़ा हो, बता अब क्या लिखेंगे? हाँ, विरल माध्यम में दूसरी स्थिति में, जब प्रकाश किरण उम्र ही ऐसी ना, इस उम्र में करीब ही दिखाई दे। बैठ जा, खड़ा बैठ, बता स्टार्टिंग से, बता कैसे लिखेंगे? परावर्तन, परावर्तन, जब प्रकाश की किरण जाती है, नहीं नहीं प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी कितनी स्थितियां हैं? दो। नंबर पहली स्थिति सुना दो। नंबर वन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। देखा, एक बोल रहा करीब, दूसरा बोल दूर हो जाती है। गजब गजब, क्या बात, बैठ जाओ, खड़े हो आप, बताओ क्या सबसे पहले हेडिंग क्या बनाओगे? बता, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से वह अपने मार्ग से, उसके बाद क्या लिखेंगे? इसकी दो हेडिंग है। प्रकाश के अपवर्तन की दो स्थितियां हैं। स्थितियां, स्थिति तो खराब है तेरी, स्थितियां हैं।
उसके बाद नंबर फर्स्ट, और बता फर्स्ट में क्या लिखोगे? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से समझ में आया? ठीक, एक बार मार पड़नी चाहिए तुम, एक बार मार पड़ जाती सारा याद हो जाता है, इसे लिख दोगे? लेकिन इंपोर्टेंट बात बताऊं तुम्हें, पिंच पता कहां फंस जा, पिंच पता कहां फंस जा, यहां फंस जा पेस। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जागी तो वह अभिलंब से दूर ही क्यों हटेगी, पास क्यों नहीं आने की? तो रटवा दिया मैंने तुम्हें, तुमने मान लिया कि दूर चले जागे, मैं कहता था पास जाए तुम तो पास मान लेते, रट रहे नहीं रट रहे तुम, रट रहे नहीं रट रहे, सब इस तरह रटो, सब इस तरह सुन लो पहले ध्यान लगा, मूर्ख नहीं बनना, सुन लो पहले ध्यान से। उसके बाद जब प्रकाश किरण विलंब माध्यम से दूर सरल माध्यम में जागी तो पास ही क्यों आगी, क्यों आगी, क्यों, ये क्यों है ना, जो ये बहुत बड़ा खेल है, क्यों? अरे जानना चाहते हो कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विलंब माध्यम में जाती है तो दूर ही क्यों हटती है, पास क्यों नहीं आती? ये तो आपने रटवा दिया, कारण बताओ, बिना कारण के तो साइंस में कुछ हो ही नहीं सकता, विदाउट रीजन यू कैन नॉट अप्लाई द साइंस, व्हाट इज दिस? हम कह रहे हैं कि सुन लो, हम कह रहे हैं कि भाई बिना कारण के तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है, क्यों? बताओ, कोई बताएगा? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? कल बताऊंगा। ओके।